तो कहानी की शुरुआत में हम योन एचवा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो चान नाम के एक बूढ़े आदमी के अंतिम संस्कार में थी। चान एक प्रिंसिपल हुआ करता था और मरने से पहले उसने अपनी सारी दौलत योन हकवा के नाम कर दी थी। चान की मौत कैंसर की वजह से हुई थी, लेकिन यहाँ आए रिपोर्टर को इस बात पर विश्वास नहीं था, जहाँ इसीलिए वो योन एचवा से सवाल करने लगता है। लेकिन उससे बात करने पर भी उसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन फिर वो रिपोर्टर योन एचवा के पास आता है, जहाँ एक बार फिर वो योन हवा से चान की मौत के बारे में सवाल करने लगता है। ये देख के योन हवा उसके सवालों के जवाब देने को मान जाती है और उसके सवालों के एक एक करके जवाब देने लगती है। यहाँ पर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ योन हवा चान के घर एक केयरटेकर बन के आती है और घर के अंदर उसे चान मिलता है, जो योन हवा को बताता है कि उसे लास्ट स्टेज का कैंसर है और वो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, जहाँ योन हवा को उसका ध्यान रखना होगा। यहाँ पर चान उसे अपने बेटे के बारे में भी बताता है कि एक कार एक्सीडेंट में उसने उसे खो दिया और उसके जाने के बाद अब चान इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। ये सब सुन के योन हुआ उसकी मदद करने को मान जाती है, जहां पहले कुछ दिन योन हुआ उसके घर में ठीक से काम नहीं कर पाती, यहां तक कि उसे ढंग का खाना बनाना भी नहीं आता था। इसलिए वो बूढ़ा आदमी उस पे गुस्सा करने लगता है, जिससे योन हुआ डर जाती है। यहां तक कि रात में जब योन हुआ थक के आराम कर रही थी, तो ये देख के गुस्से में चान उस पे पानी फेंक देता है, क्योंकि उसे उसका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और यहाँ पर भी वो उस पे गुस्सा करता है, लेकिन देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब धीरे धीरे योन हुआ को घर का काम करना आ गया था, जहाँ अब वो बूढ़ा भी उस पे गुस्सा नहीं करता था और उसके काम से खुश होके एक दिन चान योन हुआ को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है, जहाँ वो उसको अपने दोस्तों से मिलवाता है। यहाँ पर जब सबके सामने योन एचवा एक गाना गाती है, तो ये देख के चान को वो अच्छी लगने लगती है, क्योंकि ये गाना उसकी बीवी को भी पसंद था और हम देख सकते हैं कि चान योन हुआ को पसंद करने लगा था। जिसके बाद घर जाते वक्त जब योन हुआ ड्राइव कर रही थी, तो चान उससे पूछता है कि आखिर तुम इस गाने के बारे में कैसे जानती हो, तो योन हुआ कहती है कि ये गाना मेरे बॉयफ्रेंड का भी फेवरेट था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिसके बाद अगले दिन जब योन हुआ चान के नाखून काट रही थी, तो यहाँ वो उसके बेटे के बारे में उससे पूछने लगती है कि आखिर वो कैसा था, तो चान उसे बताता है कि वो बिल्कुल तुम्हारी उम्र का ही था और उस एक्सीडेंट में उसने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। जिसके बाद चान योन हुआ से पूछता है कि आखिर तुम अपनी जवानी मेरे पीछे क्यों खराब कर रही हो, तो योन हुआ उसे बस इतना कहती है कि मैं मेरी किस्मत के रास्ते चल रही हूँ। अगले सीन में जब चान अपने कमरे में था, तो अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो बिस्तर से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो मदद के लिए योन हुआ को नहीं बुलाता, बल्कि पास में एक टेबल पर पड़े पानी के ग्लास तक जैसे तैसे करके आता है और उसे पी के खुद को शांत करता है। तभी आवाज सुन के योन हुआ बाहर से चान के हाल चाल पूछने लगती है, लेकिन चान उसे कुछ नहीं बताता और उसे अपने एक कोट को आयरन करने को कहता है, जहां जब योन हुआ उसे आयरन कर देती है, तो यहां पर चान उसे बाहर जाके उसकी एक तस्वीर लाने भेज देता है। और जब योन हुआ उस दुकान में उसकी तस्वीर लेने जाती है, तो उसे देख के वो समझ जाती है कि चान खुद की जान लेने वाला था, इसीलिए वो जल्दी से घर की तरफ जाने लगती है। और जब वो घर आती है, तो देखती है कि चान खुद को लटकाने वाला था, जहां योन हुआ जल्दी से उसके पास जाती है और उसे रुकने के लिए उससे भीख मांगने लगती है। ये देख के चान मान जाता है, क्योंकि अब तक उसे ऐसा ही लगता था कि उसकी मौत से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन योन हुआ का उसके लिए इतना प्यार देख के उसकी सोच बदल गई और वो समझ गया कि उसे उसके लिए जीना होगा। जिसके बाद धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और हम देखते हैं कि उन दोनों का रिश्ता गहरा हो गया था। जिसके बाद एक दिन जब योन हुआ और चान उसके परिवार की तस्वीरें देख रहे थे, तो चान उसे बताता है कि अब तक उसकी जिंदगी में उसने जिस किसी से भी प्यार किया है, वो उसे छोड़कर चले गए, जहां उसे इस बात का भी डर था कि कहीं योन एचवा को भी कुछ हो ना जाए। ये सुन के वो कहती है, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। अगले दिन वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और यहाँ जब चान उससे पूछता है कि उसके पास कितना समय बचा है, तो डॉक्टर कहते हैं कि उनकी रिपोर्ट में उनको काफी बदलाव देखने को मिला है, जो काफी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि उस डॉक्टर के हिसाब से चान अगले 6 साल तक जी सकता है। ये सब सुन के चान बहुत खुश हो जाता है और गाड़ी में घर जाते हुए वो योन हुआ का हाथ पकड़ लेता है
और कहता है कि ये सब तुम्हारे कारण ही मुमकिन हो सका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चान योन हुआ को पसंद करने लगा था। जहां एक दिन जब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे तो चाम यहां बहुत शराब पीने लगता है और ये देख के योन हुआ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चान उसकी एक नहीं सुनता। जिसके बाद जब वो घर आते हैं तो नशे की हालत में चान योन हवा को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये योन हवा को अच्छा नहीं लगता और वो उसे धक्का मार देती है जिससे चान बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां वो रिपोर्टर योन एच वो की कहानी सुनने के बाद वहां से जा रहा था, जहां उसे उसकी इस कहानी में पूरी तरह से विश्वास नहीं था। इसलिए वो योन एच वो के बारे में जानकारी लेने लगता है और एक आदमी से उसे पता चलता है कि योन एच वो केयरटेकर की नौकरी करने से पहले एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। ये सुन के वो रिपोर्टर वापस उसके घर जाता है और उसके घर में उस रिपोर्टर को एक आदमी की तस्वीर मिलती है, लेकिन योन हुआ उसे उसके बारे में कुछ भी साफ साफ नहीं बताती। जिसके बाद वो उसे डिनर करने को कहती है, जहां जब मजाक मजाक में वो रिपोर्टर कहता है कि कहीं तुमने तो चान को नहीं मारा, तो योन हुआ उसे ठीक से जवाब नहीं देती और फिर से उसकी कहानी बताने लगती है। जहां हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं कि योन हुआ अभी भी चान के घर पे काम करती थी, लेकिन अब रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। चान फिर से उस पे गुस्सा करने लगा था और वो उसे गंदी नजर से भी देखता था। जहां योन हुआ अपनी नौकरी बचाने के लिए ये सारी चीजें सह रही थी, यहां तक कि रात में वो चैन को अपनी बाहों में सोने भी देती थी जिससे उस बूढ़े को शांति मिल सके। यहां पर योन हुआ अपनी कहानी रोक देती है और कहती है कि इसके पहले कि मैं तुम्हें कुछ और बताऊं, मैं तुम्हें मेरे अतीत की एक और कहानी बताना चाहती हूं। जब मैं मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से पहली बार मिली थी, जहां उसका बॉयफ्रेंड एक क्लब का मालिक था और योन हवा वहां काम करती थी, वो उसे पसंद करती थी लेकिन उसने कभी ये बात उसे नहीं बताई। एक बार जब ड्यूटी खत्म होने के बाद योन हवा बाहर बैठी थी तो उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और अपने साथ डिनर के लिए उसे इनवाइट करता है, जहां योन एच हुआ उसकी बात मान जाती और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाके डिनर करने लगते हैं, जहां उस दिन के बाद से उनका रिश्ता गहरा हो गया। जिसके बाद प्रेजेंट में हम उस रिपोर्टर को देखते हैं जो योन एच वो के घर पे ही सो रहा था, क्योंकि आज रात उसने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। यहां पर जब उसकी आंख खुलती है तो बाथरूम में से उसे योन हकवा की रोने की आवाज आती है और जब वो उसके पास जाता है तो योन हवा कहती है कि मैंने उस बूढ़े आदमी को नहीं मारा है और मैं बेकसूर हूँ। ये सुनके वो रिपोर्टर उसे शांत करने लगता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो योन हवा को किस कर लेता है और रात में वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। जहाँ अगली सुबह जब उस रिपोर्टर की आंख खुलती है तो वो देखता है कि योन हवा उसके बगल में नहीं थी और तभी उसे वहां एक मैगजीन मिलती है जिसमें योन हवा के बॉयफ्रेंड के ऊपर एक आर्टिकल छपा था, जिसको पढ़ने के बाद उस रिपोर्टर को पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि चान का बेटा था। जहां उसकी मौत किसी कार एक्सीडेंट में नहीं हुई थी बल्कि उसने खुद की जान ले ली थी। ये सब देख के वो रिपोर्टर योन छुआ के बारे में और भी जानने की कोशिश करता है और एक आदमी उसे बताता है कि योन हवा हमेशा उस बूढ़े आदमी की ड्रिंक में एक ऐसी दवा मिला देती थी जिससे वो योन हवा की तरफ आकर्षित हो जाता था। जिसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां चान अपनी दाढ़ी शेव कर रहा था और फिर वो सो रही योन हवा के पास आता है और चुपके से उसकी एक उंगली में एक अंगूठी पहना देता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और ये सब देख के उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जहां चान उसे बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये सुनके योन हवा गुस्सा हो जाती है और उसके घर से चली जाती है। अगले दिन योन हवा फिर चान के घर आती है और उसे देख के लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। वो चान के पास आके उसे सारी सच्चाई बता देती है कि उसका बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि उसका ही बेटा था और यहाँ वो उसके बॉयफ्रेंड की मौत का बदला लेने आई है क्योंकि उसकी मौत का जिम्मेदार वो चान को ठहराती थी। दरअसल जब चान को पता चला कि उसका बेटा उसके ही क्लब में काम करती है, एक लड़की से प्यार करने लगा है, तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई। जहाँ जब उसके बेटे ने उसकी बात नहीं सुनी तो चान ने उसके क्लब के मैनेजर से कह के उन दोनों को अलग कर दिया, लेकिन उस मैनेजर ने चान के बेटे को पकड़ के उसके सामने योन हुआ के साथ गलत काम किया। जहां ये सब देख के उसका बॉयफ्रेंड बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने एक गाड़ी के सामने आके खुद की जान ले ली। ये सब सुन के चान को बहुत बड़ा सदमा लगता है और उसे अपने किए का बहुत पछतावा था। जहां अगले दिन वो योन हुआ के पास आके उसे नहलाने को कहता है, जहां योन हुआ उसे नहलाती है और वहां से चली जाती है। उसके वहां से जाते ही चान खुद को फांसी लगा देता है और मर जाता है। वही एक तरफ योन हुआ एक रेलवे स्टेशन में बैठी थी।
जहां कुछ देर बाद जब वहां एक ट्रेन आती है तो योनहुआ उसके सामने आके खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चैन की आत्मा आके उसे बचा लेती है, जिसके बाद वो उसे बताता है कि मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है और तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां योनहुआ अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सके। इसीलिए चैन ने अपनी सारी दौलत उसके नाम कर दी थी, जिसके बाद चैन और उसके बेटे की आत्मा उस ट्रेन में बैठ के चली जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।